हेलो। हाँ जी सर, हाँ मैं आशा जैन बोल रही हूँ, श्रेयान जैन की वाइफ। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। हाँ, एक्चुअली क्या है, अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है, अभी मेरे पीरियड्स आते हैं ना, जो फर्स्ट 5 डेज तो ऐसे लगता है कि बस वो झलक दिखला के जा रहा है, फ्यू 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 ड्रॉप्स आ रहा है, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि भाई 7 दिन 8 दिन बंद ही नहीं होता है, फिर मुझे दवाई ही लेना पड़ता है। टोटल 12 डेज। हाँ, वो फर्स्ट जो 5 डेज है वो नाक का बराबर है, मतलब एक ड्रॉप गिरा, कभी दो ड्रॉप गिरा, बस इतने में हो जाता है। फिर उसके बाद 5th डे के बाद या 6th डे के बाद जबरदस्त होता है, जो वो अगेन, अब कब तक आता है मुझे नहीं पता, एक दो बार जितनी बार भी हुआ है मैं दवाई लेके स्टॉप की हूँ। ठीक है, आपकी एज और वेट और हाइट? मेरा एज है 40, हाइट 151 सेंटीमीटर और वेट आके 62। आपके वेट में चेंजेस क्या हुए हैं पिछले कुछ सालों में? बस 65 से 62 आई हूँ, बस इतना ज्यादा फर्क। कितने पीरियड में? 2-3 सालों में। एंड एनी अदर हेल्थ कंडीशंस लाइक एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड ऑल दैट? देखो, सबसे पहले तो सब मुझे हमेशा ये कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है अभी, लेकिन 2-3 सालों में ना काफी फर्क है कि भाई मुझे पूरे दिन में तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि भाई सुबह उठते ही आता है, लेकिन पूरे दिन में 100% आ ही जाता है। अभी ये चेंजेस आया है बॉडी में। डू यू फील रिलीव्ड आफ्टर यू पास स्टूल और यू स्टिल फील इट्स इनकम्प्लीट काइंड ऑफ? नहीं, स्टूल जाने के बाद एकदम रिलीफ फील होता है। डू यू फील कम्प्लीट एम्प्टिंग आउट? कम्प्लीटली रिलीफ। हाँ। डू यू टेक एनी इलेक्ट्रिसिटीज, एनी गैस बिल्स और एनीथिंग? आई डिडंट गेट यू सर। आप कुछ लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए? नहीं ना, मैं लेती कुछ भी नहीं हूँ, बट आई सी टू इट के बस ऐसे फाइबर फ्रूट लूं जो भाई आ जाए, मतलब फाइबर फ्रूट्स लेते हैं। कितना फ्रूट लेते हैं डेली? सर डेली एक ही फ्रूट लेते हैं हम लोग। जूसेस? जूसेस भी ये देखो, मैं मोस्टली 90% दोपहर को छाछ लेती हूँ और शाम को मिल्क शेक के रूप में लेते हैं हम लोग, फ्रूट और मिल्क मिक्स। आपका टोटल फ्लूइड इंटेक कितना होगा, पानी एंड अदर? मेरा ज्यादा नहीं है, मेरा मैक्सिमम 1.5 लीटर से ज्यादा है भी नहीं। चाय कितना लेते हैं? चाय कॉफी पीते ही नहीं हम लोग, दूध कभी पीती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, पर चाय कॉफी पीती ही नहीं हूँ। आप खाना किस किस समय खाते हैं? खाना या छोटा सा स्नैक्स या कुछ भी है वो थोड़ा सा एक रफ आइडिया दीजिए। मॉर्निंग वॉटर में गेटअप? सुबह ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट ही लेती हूँ, फ्रूट और एक वेजिटेबल जूस लेती हूँ। ओके, कितना होता है अबाउट? क्या मतलब फ्रूट कौन सा होता है, कितना क्वांटिटी होता है? फ्रूट एक नॉर्मल, जैसे देखो वाटरमेलन है तो जैसे एक बड़ा बाउल ले लिया। ओके, और पपाया है तो 6 से 7 पीसेस हो जाता है। ओके, एंड जूस कितना होगा? जूस 1 ग्लास, अबाउट 300 ml। हाँ, ठीक है, तो आप सुबह सिर्फ ये लेते हैं? हाँ, सुबह ये लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट? फिर 12:30-1 के बीच में खाना हो जाता है। सर, ये आप कितने बजे लेते हैं? ये हम लोग आसपास 10 o'clock के आसपास लेते हैं। अब उठते कितने बजे? उठते एक्चुअली अभी मैंने 5 बजे चालू किया है उठना, पहले 7:30-8 बजे ही उठती थी, अभी एक हफ्ते से 5 बजे उठ रही हूँ। क्या करते हैं 5 बजे उठ के? 5 बजे उठ के पहले, सबसे पहले मैं एक मेरा पूजा करती हूँ, 5 to 6 मेरा सामायिक करती हूँ मैं। 5 to 6 1 hour? हाँ, मेरा वो पूजा का टाइम 15 मिनट्स का तो है ही है हमारा, वो जो सामायिक करते हैं ना वो 15 मिनट्स का होता है, तो उसमें 1 घंटा चला जाता है। 6 to 8 मैं नॉर्मल वॉक करती हूँ, बहुत ज्यादा सीवियर हेवी वॉक भी, ब्रिस्क वॉक भी नहीं करती हूँ और एकदम स्लो भी नहीं करती हूँ, नॉर्मल वॉक करती हूँ मैं 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा नहीं, 8 बजे, एक्चुअली 6:30 से 8 बजे तक हो ही जाता है हमारा 1.5 घंटा। ठीक है, और फिर उसके बाद आके मेरा रूटीन, मेरा किचन चालू हो जाता है, तो फिर 9:30-10 के आसपास हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके, तो ब्रेकफास्ट का आपने बताई दिया कि फ्रूट्स और जूस। हाँ, ये ही होता है। ठीक है, उसके बाद 8:30-12 बजे उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ,
साढ़े बारह एक के बीच में आती हूँ, 1:30 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद नॉर्मल, एक्चुअली मैं छाछ एकदम तुरंत नहीं पीती हूँ, तो 1 घंटे के बाद छाछ पीती हूँ। ये कितनी देर से चल रहा है छाछ का? छाछ अब बचपन से चल रहा है। और हमेशा 1 घंटे के बाद ही पीते हैं? हाँ, मोस्टली 1 घंटे के बाद ही पीती हूँ। खाने के साथ पानी नहीं पीते हो कभी भी? मैं कभी नहीं पीती हूँ, अभी बहुत इच्छा करता छाछ के साथ ही खा लेती हूँ, मतलब प्यास लगी है तो छाछ पी लेती हूँ उस जगह। पर यूजली नहीं पीते, यूजली 1 घंटे के बाद ही लेते हैं। हाँ, यूजली 1 घंटे के बाद ही पानी पीती हूँ। पानी नहीं, छाछ लेते हैं? हाँ, छाछ ही पीती हूँ, फिर उसके बाद प्यास लगी तो आधे 1 घंटे, वैसे भी 2 घंटे के पहले मुझे प्यास लगती भी नहीं है, वो 2 घंटे के बाद ही पानी पीती हूँ। ठीक है, उसके बाद 1:30 बजे के बाद? ये लंच होने के बाद हम लोग शाम को, मैं तो आजकल 6:30 बजे खाना खा लेती हूँ। नहीं, 1:30 के बाद सीधा आप शाम को 6:30 बजे खाना खा लेते हैं? हाँ, बीच में कभी कभी कोई फ्रूट हो, कोई अमरूद हो या फिर जो मुझे पसंद हो तो वो मैं ले लेती हूँ बीच में। कभी बिस्किट्स भी खाती हूँ। ठीक है, और कोई हेल्थ कंडीशन आपकी? आपको ये जो प्रॉब्लम हुई है? थायराइड है मेरा थायराइड है और ब्लैडर पे स्टोन है। ब्लैडर मतलब कौन सा? गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर में। हाँ, ये कब से स्टोन? वो उसके वजह से बहुत अनइजी फील होता है, बहुत बार अनइजी फील होता है। ये गॉल ब्लैडर में स्टोन कब से है? ये भी है, काफी सालों से है। साइज क्या है? साइज एक तो एक 9 पॉइंट कुछ है और दूसरा एक ही बड़ा है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं बोल रहे हैं। आपका ऑफिस आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक है? ऑफिस आवर्स एक्चुअली कोई नियम नहीं है कि मेरे को ऑफिस इस टाइम समय पर जाना है, तो हमारे ही ऑफिस जाती हूँ मैं तो कभी 10 बजे, हाँ 10 बजे भी जाते हैं, कभी 10:30, कभी 11 बजे भी जाते हैं, कभी 11:30, ऐसा कुछ नहीं, नियम कुछ भी नहीं है। अगर नहीं हो तो नहीं भी जाती हूँ। ओके, ठीक है। तो अब आपका जो मेन कंसर्न, अच्छा ये पीरियड्स का इरेगुलरिटी और ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? अभी 3-4 महीने से ही चालू हुई है। आपको कभी पीरियड्स में पेन हुआ है? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। और पहले पीरियड्स का रेगुलरिटी कितना था? 28 डेज एग्जैक्ट था या कुछ था? 25 एग्जैक्ट था। 25 एग्जैक्ट था? हाँ। यू आर सेइंग दिस फ्रॉम द एज ऑफ अटेंड 16 इयर्स से, 16 तब भी मैं जब 16 इयर्स की थी तब से मेरा पीरियड आया। 25 ही चल रहा है? हाँ, तब से 25, आफ्टर मैरिज भी 25 ही हुआ है। ये अभी एक 5-6 महीने से थोड़ा सा चेंजेस आया है। आपके बच्चे कितने? 2 लड़कियां हैं। ओके, नाउ जस्ट एनी अदर थिंग यू फीलिंग लाइक हेयर लॉस और एनीथिंग? हेयर लॉस तो है ही है, मेरा हमेशा से है। अभी व्हाट यू फील लाइक, कितना हो गया है अभी कंसर्न? डेंसिटी तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जब मैं बिफोर 20 इयर्स या 25 इयर्स बिफोर की जो डेंसिटी है वो तो एकदम ही 1/4 हो गया। लास्ट 2-3 इयर्स से कितना कम हुआ या लास्ट 4-5 महीने से जब से आपको ये प्रॉब्लम शुरू है? एक्चुअली 2 साल से ही हेयर फॉल तो हमेशा से, 20 इयर्स से जब से थायराइड हुआ पता चला। डेंसिटी कब से हुआ है? डेंसिटी तो जब से थायराइड चालू हुआ हेयर फॉल चालू ही है और डेंसिटी कम होता ही गया है। अभी ये 3 महीने से थोड़ा ज्यादा हो रहा था तो आयन का टैबलेट ले रही हूँ मैं। नहीं, वो सब बंद कर दीजिएगा, कोई भी सप्लीमेंट मत लीजिएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू और इसके वजह से मुझे लगता है कि भाई मेरा वो क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। नहीं, वो सब से कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें से आपका कोई फायदा नहीं होगा। एक मिनट रुकी है, आपके जो नॉर्मली जो पहले 25 डेज के बाद पीरियड होते थे कितने दिन के लिए होते थे? 5 डेज ही होता था, 5 to 6 डेज होता था, नॉर्मली होता था। 3 to 4 डेज कभी नहीं हुआ? 3 to 4 डेज तो हुआ ही नहीं, 5 डेज तो मिनिमम, 5 डेज तो हाई। आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता था पहले शुरू में, लाइक एट द एज ऑफ मे बी 20 to 30? क्या एनर्जी लेवल कैसा रहता था? मतलब यू एनर्जी लेवल, देखो स्टार्टिंग से मैं भी एक थोड़ी स्पोर्ट्स पर्सन ही हूँ, मुझे वो तो एक्टिव तो थी मैं,
ये अभी अभी भी ठीक है, एक्टिव हूँ पर ठीक है उतने जितने तो नहीं हूँ। ठीक है ठीक, देखिए आपका मैं एक एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ किसी लेडी का। शी कॉल्ड मी ऑन 23rd of August दिस ईयर एंड शी वाज अबाउट 45 इयर्स ऑफ एज एंड शी हैड आर्थराइटिस फॉर लास्ट 20 इयर्स। ओके एंड अभी उनका इशू ये था कि 4-5 महीने से पीरियड्स बंद हो गए थे मेनोपॉज़। तो उनको बोला कि आप खाने के साथ पानी पियो, वॉक एंड रेस्ट करो और 7 दिन के बाद बताओ फीडबैक दो क्या हुआ। तो शी डिडंट कॉल आफ्टर 7 डेज। तो उन्होंने कॉल किया एक करीब करीब आई थिंक 12th के आसपास या 10th के आसपास ऑफ दिस मंथ, नहीं शायद शायद और लेट किया 15-16 के आसपास, तो अबाउट 25 डेज के बाद। ओके एंड अभी उनका कंसर्न क्या था कि उनके जो पीरियड्स बंद थे वो चालू हुए और पिछले 9 दिन से कंटिन्यूस हो रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे। तो उनको मैंने बोला कि आप दोबारा से प्रोग्राम चेंज करो, अभी आप हर 1 घंटे में पानी पीना शुरू कर दो 1 गिलास। ओके एंड जैसे ही आपके पीरियड्स बंद हो तो आप कॉल कर दो, फिर मैं आगे का रूटीन बताता हूँ। तो शी कॉल्ड आफ्टर मे बी 30 आवर्स और सो एंड शी सेड कि पीरियड्स बंद हो गए। ओके सो दैट विल गिव यू एन आइडिया, फ्लूइड इनटेक को कभी भी कांस्टेंट नहीं रखना होता है किसी भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइदर आपका कॉन्स्टिपेशन डज नॉट हार्म यू एज मच एज योर फाइबर इनटेक। एक्सेस फाइबर इनटेक इज एज बैड एज कैंसर। नहीं मैं बहुत कंसर्न हूँ कि मैं बहुत when you take regularly anything it becomes a problem आपका फाइबर इनटेक कुछ तो उसमें भी चले जाता है, जूस में भी चले जाता है और कुछ फूड में चले जाता है, कुछ चार्ज में भी चले जाता है। तो सब मिलाकर पूरे दिन में जो एक रिक्वायरमेंट जो बताते हैं विच आई हैव सीरियस कंसर्न अबाउट दैट ऑल्सो कि वो करेक्ट नहीं होता, बट फिर भी फाइबर इनटेक टोटल 30 ग्राम्स का पर डे का बताते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन का। अच्छा मे बी ओवरऑल यू आर आइदर ओवर हीटिंग इट और वट एवर, फाइबर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। वंस इन अ व्हाइल फाइबर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए वो ठीक रहता है, बट फाइबर का कनेक्शन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है। देखिए आपका मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट मतलब जितना भी खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उस एनर्जी का यूज होता है आपके हार्ट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए। जो सबसे हैवी एनर्जी यूज होता है वो ब्रेन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलती तो आप जो मर्जी करो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आप उसको धकेल सकते हैं गैस पिल्स लेकर, आप फाइबर लेकर धकेल सकते हैं, आप मे बी स्टूल सॉफ्टवेयर से अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं, द लॉट ऑफ अदर स्टफ। बट आपने जो खाना खाया उसका बेसिक पर्पज होता है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करना। पर यूनिट ऑफ फूड आप कितना एनर्जी गेन कर पाते हैं दैट इज द रियल इम्पोर्टेंट। ओके तो पर यूनिट ऑफ फूड आपका जो एनर्जी में कन्वर्जन है दैट इज बिकमिंग लो एंड दैट इज द ओनली रीजन फॉर एजिंग। अगर आप उसको लो होने से बचा लोगे पर यूनिट ऑफ फूड को जो एनर्जी में कन्वर्जन है तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ओके एंड मे बी यू विल नेवर डाई, दो पीपल ऑलवेज लाफ ऑफ ऑन दैट, बट एनीवे दैट्स व्हाट आई बिलीव कि अगर आप अपना मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर लोगे तो आप कभी भी डिक्लाइन में, क्योंकि एजिंग इज ओनली डिक्लाइन इन द मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू योर प्रॉब्लम्स, पहली चीज तो आपका जो छाछ का इंटेक या एनीथिंग फ्लूइड इंटेक आफ्टर द मील्स तो बंद कर दीजिए बिल्कुल। ओके आप 2 दिन के लिए खाने के साथ सिर्फ पानी पीजिए। ओके अभी आपके पीरियड्स का क्या स्टेटस है, अभी तो कब लास्ट हुए? नहीं अभी चल रहा है, कल से ही, मतलब मैं जो बोला ना पहले 5 डेज झलक दिखलाता है फिर बाद में वो कल से वापस स्टार्ट हुआ है। कल से चालू हुआ है मतलब हैवी हुआ है? हैवी हुआ है। तो यू डू नॉट नो अब वो कितनी देर तक हैवी रहेगा? हाँ वो नहीं पता मुझे। ठीक है तो आप अभी फिलहाल क्या करो कि आज के लिए अभी से और कल के लिए फ्लूइड इनटेक को सिर्फ खाने के साथ 1 गिलास लीजिए। अभी आप फ्लूइड बोल रहे हो क्या? पानी ओनली। ओके सॉलिड खाना लीजिए, खाने में चावल दाल रोटी हो गया, सॉरी राइस एंड रोटी हो गया और सब्जी और दाल वगैरह हो गया। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये आपका सॉलिड मील हो गया और उसके अलावा आप पानी का 1 गिलास ले लेंगे 1 मील के साथ में और कोशिश करिए खाना पूरे पेट भर के खाइए।
आपकी थायराइड की टेबलेट कितनी चल रही है? 100 mcg. कब से 100 है? 17 साल से 100 mcg. अच्छा, कॉन्स्टेंट ही है। अब एक महीने के अंदर चेक, एक महीने के बाद चेक भी करा लीजिए, शायद थायराइड का रिक्वायरमेंट कम हो जाए आपका। इसी प्रोसेस से। हाँ, इसी प्रोसेस से हो जाना चाहिए, और 2 महीने में आप छोड़ भी सकते हैं, पर अभी टेपर ऑफ करके करिएगा, एकदम से मत छोड़िएगा। प्रोसेस छोड़ना है या फिर दवाई? नहीं, दवाई को छोड़ना है। अब धीरे धीरे टेपर ऑफ कर लीजिए, एकदम से मत छोड़िएगा। हाँ हाँ, वो मैं डॉक्टर को टेस्ट करवा के कर लूँ। तो नेक्स्ट इज दिस, तो अभी आप खाने के साथ पानी पीजिए, उसके अलावा सारा फ्लूइड बंद कर दीजिए। ओके। कल शाम तक अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो परसों सुबह से आप पानी के इंटेक हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना शुरू कर दीजिए। नहीं, उसका रिलीफ मतलब कैसे समझ में आएगा? क्या आपके बंद हो जाएगा, पीरियड्स बंद हो जाएंगे? हाँ जी, अभी आप एक्सपेक्टेड यही ना कि 4-5-6 दिन तक कंटिन्यू होंगे। हाँ, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है कल शाम तक बंद हो जाए। अच्छा, कल शाम तक बंद हो गए तो ठीक है। मोस्ट लाइकली आप इसको, आई थिंक एक बार आप बात कर लीजिए कल शाम को, मोस्ट लाइकली कल शाम तक बंद हो जाएगा। अगर कल शाम को बंद हो जाता है तो जो मैंने इनको आपके हस्बैंड को भेजा ना पानी का और वॉक इन रेस्ट का, वॉक इन रेस्ट तो खैर अभी से आप चालू कर दीजिए, एंड अपना वॉकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो 1 घंटे 1.5 घंटे का करते हैं ना, उसकी जगह 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट, और अगर आप घर पर ही हैं कल तक ब्रेक ले लीजिए, कल का, आज का और कल का ब्रेक कर लीजिए। तो आज कल कुछ भी नहीं करूं? हाँ, कुछ भी मत करिए, ऑफिस भी मत जाइए, हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए वॉक करें, और 5 मिनट वॉक करने के बाद 5 मिनट बिस्तर में लेके आराम करें। अच्छा, 5 की जगह 10 मिनट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, रेस्ट 10 मिनट कर सकते हैं। हाँ, 5 से 10 मिनट जो भी आपको ठीक लगे वो रेस्ट कर सकते हैं चलने के बाद, और नॉर्मल घर के नॉर्मल स्पीड से घर में चलना है आपको। हाँ हाँ, और आपका क्योंकि स्टार्टिंग आप इतना ही रखिए, आई थिंक नॉट मोर देन 15, तो आप हर घंटे में करेंगे तो करीब 15-16 बार हो जाएगा 5-5 मिनट का वॉक, दैट विल बी इनफ। तो कल शाम तक आपका पीरियड्स बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हो 1 घंटा वॉक करूं, 1 घंटा वो करूं, फिर नहीं, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट 1 घंटे में 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट आपने बोला है? नहीं, 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही, 1 घंटे में 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट, उसके बाद 50 मिनट जो मर्जी करो। नहीं, उसके बाद 50 मिनट जो मर्जी करो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आवर में फिर एक बार 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, बाकी 15 मिनट्स इज अप टू यू। ओके ओके, ये कि जरूरी नहीं ना 1 घंटा 5 5 5 5 5 5 5 5 5 रेस्ट। सी द रीजन इज व्हेन यू डू 5 मिनट्स वॉक, 5 मिनट्स रेस्ट, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। उस मेटाबॉलिक रेट क्या, आपका जो एनर्जी इनटेक होता है वाइटल ऑर्गन्स का, वो इम्प्रूव होता है। वो कितनी देर तक रहेगा आपका इम्प्रूवमेंट, वो नहीं कह सकते। इसको जितना स्प्रेड करेंगे उतना आपके लिए ईजी भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। सिंस यू वॉन्ट सम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट विद इन ए डे और सो, सो इट विल बी फाइन। ओके, तो आपको जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपको कभी अभी वो वेजाइनल ड्राइनेस वगैरह फील होना शुरू है? ये इचिंग जैसे होता है वेजाइनल में। ठीक है, वो आपके इचिंग या जो ड्राइनेस की वजह से होता है यूजली, तो वो ठीक हो जाना चाहिए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका भी एक फीडबैक दे दीजिएगा कि वो यूजली उसके लिए 36 आवर्स आप फ्लूइड भी बंद कर देंगे तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। अच्छा, पर अभी आप उसको मत करिए, अभी आप फिलहाल आप खाने के साथ 1 गिलास पानी पीजिए, वॉक एंड रेस्ट करिए हर घंटे में एक बार। अगर शुरू में आपको शुरू के 2 घंटे के लिए अभी लगता है कि आप ज्यादा करना चाहते हैं, तो आधे आधे घंटे में 5 मिनट चल के 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए। okay. उससे आपको इमीडिएट कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। और कल शाम तक तो इसको करिए, वॉक एंड रेस्ट का जितना हो सके आप हर आवर में करिए, पर अगर आपको ऑफिस जाना हो और आपका टाइम अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो आधे आधे घंटे में कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो ब्लैडर के लिए, स्टोन ब्लैडर स्टोन के लिए, ब्लैडर स्टोन के लिए तो आपने इतने साल कुछ नहीं किया, तो इसके लिए 1-2 महीने वेट करो, देखो क्या कंडीशन होती है, क्या होता है, रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। ब्लैडर स्टोन पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी कंक्रीट वो नहीं है, बट डेफिनेटली लोगों को जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो पेन वगैरह होता है या जो भी इश्यूज होते हैं वो रिजोल्व हो जाते हैं इससे। अब एडवाइस यही सिस्टम से, हाँ, उसमें अब स्टोन का किसी ने अभी फीडबैक नहीं दिया और ना ही कोई इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाया है, टू बी फ्रेंक। जिनको भी गॉलब्लैडर स्टोन रहा है, बाई चांस कोई बिजनेसमैन है, कोई कैसे है, तो वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। 15-20 दिन, हफ्ता 10 दिन किया, उनको रिलीफ मिला, तो बाकी जैसे अब जैसे नजर पेशेंट जिनको गॉलब्लैडर स्टोन था, उन्होंने उसको शायद डिस्कस नहीं किया था, उनका डिस्कम्फर्ट था, जो इशू था वो डायबिटीज का था कि ब्लड शुगर बढ़ रहा था।
तो उनका ब्लड शुगर तो 15 दिन में ठीक हो गया। ब्लड शुगर ठीक होने के बाद में इट बिकेम ए सेकेंडरी थिंग। तो अब कल उन्होंने कराया था, कुछ पेट पेट में दर्द हो रही थी, कल परसों में कराया था, तो उस समय उनको गॉलब्लैडर स्टोन का इशू आया था। पर उसका इशू भी उसके बाद आया कि जब उन्होंने उसके लिए सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। ही वॉज टेकिंग ए सप्लीमेंट, पता नहीं क्या नाम उन्होंने लिख के भेजा था, फॉर लास्ट 1.5 मंथ्स। तो ये जितने भी सप्लीमेंट होते हैं इनका कोई फायदा नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट, कोई विटामिन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल रखिए इसको और इसको फॉलो करिए, आपको इमीडिएट कंफर्ट, ये जो डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो जाएगा, और ये जो 7 डेज का साइकिल है वो ठीक हो जाएगा अगर आप इसको प्रॉपरली ढंग से फॉलो करते हो। तो जो आपका पूरा लाइफ 25 डेज का पीरियड का साइकिल है वो 28 डेज 6 आवर्स हो जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई मेनोपॉज स्टेज वाला जैसे कोई है नहीं ना? नहीं नहीं, मैं 25 डेज और 28 डेज का कह रहा हूँ। आपका 25 डेज का तो इतना लॉन्ग हिस्ट्री है ना? हाँ, मेरा लॉन्ग तो 25 डेज का ही है। वो चेंज हो जाएगा तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि इसका एक्यूरेसी कितना है। अच्छा, तो मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कि मुझे कैसे फॉलो, क्या फॉलो करना है। फिलहाल आप सिर्फ खाने के साथ पानी पीजिए, उसके अलावा मत पीजिए, और वॉक एंड रेस्ट करना है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि मैं बता देती कि मुझे क्या करना है। ओके ओके ओके। तो मेरा एवरी मील के साथ 1 ग्लास पानी पीना है, ऑल द 3 मील्स, मॉर्निंग मील, आफ्टरनून मील और इवनिंग मील। और इस मील को ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं 6:30 खा लूँ तो अच्छा ही है ना, कि लेट खाओ तो अच्छी बात है। ट्राई टू कीप ए गैप ऑफ 5 to 6 आवर्स इन ईच मील, सो आई यूजली सजेस्ट 8 to 8। ओके, बिकॉज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम दें। अगर प्रॉपर टाइम नहीं हुआ तो पहले वाला खाना आपकी पूरी तरीके से डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसके न्यूट्रिएंट, और दूसरा खाना जाके उसको धकेल देगा। पर यूनिट ऑफ फूड कन्वर्जन इज लेस। ओके, तो फिर ओके 8 to 8 PM इन बीच में एवरी मील के लिए 5 आवर्स गैप चाहिए। हाँ, 5-6 घंटे यूजली, अगर आप 6 आवर्स को स्टिक कर सके तो स्टिल बेटर। अगर आप 6-8 बजे नहीं खाते तो 9-3-9 कर लीजिए। और आपको खाने से कुछ नहीं होता, आप वॉक एंड रेस्ट करना है, सोने से पहले बस कर लीजिए 4-5 बारी तो वो सेट हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, और आई हैव टू ड्रिंक एक ग्लास पानी ही पीना है पूरे दिन में, 3 ग्लास पानी, अबाउट 600 टू। आप कितना एक बार में कितनी रोटी खा लेते हैं? एक बार में 2 रोटी लेती हूँ। तो आप 200 ml से कम ही रखो, 200 के आसपास रखो, 150 to 200 ml के बीच में। ओके, तो बहुत ज्यादा प्यास लगी तो बीच में वॉक एंड रेस्ट कर लो, वॉक एंड रेस्ट से प्यास खत्म हो जाएगी, आपके सेल्स पानी छोड़ देंगे। अच्छा, वॉक एंड रेस्ट वाले में से आपकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो 65% आपके सेल्स में होता है, जो कि बहुत एक्सेस में होता है, बीमारियों के कारण ही सेल्स में ज्यादा फ्लूइड होना होता है। तो जो एक्सेस फ्लूइड है वो छोड़ देंगे, वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए 2-3 बारी। ओके, तो आपको इमीडिएटली जो थर्स्टी माउथ होगा उससे रिलीफ मिल जाएगा, आपका स्लेवा भी बढ़ जाएगा कल तक। अच्छा, पानी कम करने के बावजूद स्लेवा बढ़ेगा? अच्छा, तो स्लेवा बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, बढ़ना भी बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आपका, जैसे आप अगर कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में जो मेन सिम्टम है, कोरोना को भी छोड़ दीजिए, जिसको भी मुंह सूखता है, प्यास लगती है, उसका स्लेवा कम ही होता है। और ड्राई माउथ का जो कारण होता है 90% केस में ज्यादा फ्लूइड इंटेक होता है। अगर कोरोना में जितने लोग मर रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हॉस्पिटल में सजेस्ट यही किया जाता है ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दो, लोग घर से नारियल पानी और दुनिया भर के फ्रूट्स और वो सब दे देते हैं जिसकी वजह से लोग मरते हैं। फ्लूइड इंटेक हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू गेट रिड ऑफ ड्राई माउथ, एंड कोरोना का जो ड्राई माउथ सिम्टम इज द मेन थिंग। कोरोना को छोड़िए, आप कभी गूगल करके देखिए कौन सी ऐसी बीमारी है, इवन इफ यू आर हैविंग एक्सेसिव हेयर फॉल दैट मींस आपके सेल्स ज्यादा पानी कैरी कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिपेटेड है, योर सेल्स आर कैरिंग एक्स्ट्रा वाटर, यू विल हैव एक्स्ट्रा लाइक थर्स्ट, आपका मुंह ज्यादा सूखेगा, आपको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हार्ट डिसीज हो, स्ट्रोक हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो। कब लगती है मुझे? ओवर प्यास अब लगती भी नहीं है। मुझे प्यास बहुत ज्यादा नहीं लगती है। अब जब ये शुरू करेंगे तो वो बॉडी अपने आप से बैलेंस करेगी, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूटीन है ना, अभी तो आपको ठीक होने के लिए सिर्फ इसको फॉलो करना है 1-2 दिन के लिए टेम्परेरी, फिर आपका थोड़ा सा सिस्टम लाइन पर आ जाएगा। लाइन पर आने के बाद अपना फ्लूइड इंटेक को हमेशा चेंज करते रहिए, कभी खाने के साथ लीजिए, कभी खाने से पहले लीजिए, उसका अलग अलग पर्पज होता है। खाने से पहले लेने का फ्लूइड कहीं और जाता है, खाने के साथ वाला फ्लूइड कहीं और जाता है। आपकी बॉडी के फ्लूइड के 3 चैम्बर्स होते हैं, तीनों में जो फ्लूइड का प्रोपोर्शन होता है वो बैलेंस रहना चाहिए, वो बैलेंस हो जाता है तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाती हैं। ओके, तो इसलिए कभी भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए। बेस्ड ऑन हिस्ट्री आई एम सजेस्टिंग कि अभी आप फॉर द टाइमिंग खाने के साथ सिर्फ ले लो। ओके ओके,
तो मुझे दो चीज खाना खाने के साथ पानी लेना है, फ्लूइड पूरा बंद करना है और 5 मिनट वॉक 5 मिनट रेस्ट वाला सिस्टम फॉलो करना है। यस बस इतना ही है ना, तीन चीज। या सिंपल है। ओके ओके, ये पूरे एक हफ्ते के लिए करूँ क्या? नहीं, आप दो तीन दिन के लिए करिए, क्योंकि आपका, आप बोल रहे हैं कि फ्लूइड इंटेक कम है, वैसे तो आपका फ्लूइड इंटेक जो आपने बताया वो कम नहीं है, तो आप दो तीन दिन के लिए करिए, उसके बाद एक बार डिस्कस कर सकते हैं कैसा फीडबैक है। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, इस चीज में फीडबैक में तो क्या मेरा एक ब्लीडिंग का होगा इसका? और हाँ, नहीं, उसके अलावा आपका जो दूसरा इशू है उसके अलावा जो इचिंग वगैरह का है वो भी, जो ड्राइनेस काइंड ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, और मेरा कॉन्स्टिपेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा इसी से। देखिए, अगर आप कभी किसी दिन को मिस करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है, दैट इज हैविंग लेस देन 2 स्पूल्स पर वीक। तो अगर आप किसी दिन मिस करें तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आप जो भी खाना खाते हो वो खाना आपके 72 आवर्स तक आपके बॉडी में रहता है नॉर्मली। तो आप जो भी एक्सक्रीट करते हैं दैट इज वो ओल्ड वन। तो कई बार क्या है कि आपका सिस्टम बेटर काम करेगा तो मे बी यू विल एक्सक्रीट 2 दिन का एक बारी में। तो अगर 1-2 दिन मिस भी कर जाए तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओवरऑल यू शुड, यूजली क्या होता है कि अगर स्कूल पास नहीं होता तो गैस बनती है, सर में चढ़ती है, हेडेक वगैरह होता है। ये सिस्टम में अगर आपको 3 दिन भी आप मिस कर जाएंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, यू फील नॉर्मल। ओके 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 ओके, ठीक है डॉक्टर, मैं ये करती हूँ, फिर आपको कल तक फीडबैक वापस देती हूँ। ठीक है ठीक है डॉक्टर, ओके थैंक यू।